विधानमंडल दल की बैठक हो गई और उसमें फिर नेता के रूप में निर्वाचित किया गया और उसी आधार पर हम सब लोग अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ जो एनडीए का निर्णय है एनडीए के सभी दलों का उनके नेतागण अध्यक्ष लोग सब लोग वहाँ जा करके गवर्नर साहब को जो निर्णय लिया गया उसकी जानकारी दे दी गई और महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से दे दिया और उसको मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत किया है और अब इसके बाद शपथ ग्रहण का समारोह होगा। शपथ ग्रहण कल होगा, कल आफ्टरनून में। कल आफ्टरनून कितने समय? 4-4:30 बजे के करीब होगा, आफ्टरनून में। आज की बैठक में सर आपने अपने संबोधन में क्या कुछ बातें रखी है बताएंगे? सब लोगों को काफी अच्छे ढंग से काम करना पड़ेगा और पूरे तौर पर सब लोगों को, ताकि बिहार के लोगों ने पुनः अवसर दिया है और बिहार का और आगे विकास हो और उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे, कहीं कोई कमी न रहे किसी भी क्षेत्र में और समाज के किसी भी तबके में, इसके लिए हम सब लोग करेंगे। कल कितने मंत्री शपथ लेंगे? वो अभी तय होगा। सभी घटक दलों के मंत्री? हाँ, सब लोग। तो अब आज जो हो गया चला गया, इसके बाद अब हमको भेजना है तो अब तो भेजेंगे कभी। आज शाम तक भेज सकते हैं, कल सुबह तक भेज सकते हैं। सर एनडीए विधायक दल का स्वरूप सर क्या हुआ सर? एनडीए विधायक दल का चारों पार्टी के सभी माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा के सदस्यगण और जितने सब एमएलसी हैं उन सब लोगों की बैठक है और उसी बैठक में यह सब निर्णय हुआ है। स्पीकर को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी चाहती है स्पीकर हमारा हो। अभी उसके बारे में कोई बात नहीं, अभी उन सब चीजों पर कोई चर्चा नहीं। तो सारे मंत्री सर अभी कितने मंत्री शपथ लेंगे, संख्या कुछ बता सकते? वही इसके बाद ही अब तय हो गए सर। जानकारी अब हो गया, गवर्नर साहब को दे दिया गया, उनका आदेश निर्गत हो गया। अब ये काम हमारी तरफ से भी जाएगा सब लोगों से बातचीत करने के बाद, कल कौन लोग शपथ लेंगे और जब शपथ ग्रहण हो जाएगा तब उसके बाद कैबिनेट बैठेगी और कैबिनेट डिसाइड करेगी हाउस की बैठक कब से होगी जिसमें सभी नव निर्वाचित लोगों का शपथ ग्रहण समारोह होता है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी होंगे ये तय हो गया? अब तो आपको कुछ देर में पता ही चल जाएगा।